Hi guys, this is Samriddhi Shukla. And I'm Rohit Purohit. And you're watching us on Mayapuri. I think finally frame amazing हो गई है. Fans हमेशा request करते हैं आप दोनों को साथ में. अबीरा अरमान क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तो party का मौका है, आज अलग celebration है. दोनों भी I think पहली बार इसका हिस्सा बने, क्या कहेंगे? We are very happy. It's a nice vibe और बहुत ही family और बहुत ही हिंदी vibe है. जैसा कि ये set पर है वैसा ही इनकी party भी है. So I'm extremely happy. समृद्धि हाँ कहाँ थे हम? सॉरी अबाउट द सेलिब्रेशन फर्स्ट टाइम. सो इट्स लवली एंड मुझे नहीं पता था इतना वेल डेकोरेटेड, इतना वेल ऑर्गेनाइज, इतना ग्रैंड लेवल पे होने वाला है. दो इफ्तार पार्टीज पहले भी देखी बट नथिंग लाइक दिस वन. एंड बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है सारा अरेंजमेंट. एंड सबसे बेस्ट पार्ट है दैट वी गेट टू मीट एवरी वन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, फ्रॉम द अदर शो अनुपमा आई को टिकाई करते सब लोग यहाँ पर हैं. तो अच्छा लग रहा है कि यू नो वी ऑल वर्किंग अंडर द सेम प्रोडक्शन हाउस, वी कैन फाइनली मीट इन ग्रीट. इतने वक्त से राजन सर को देख रही हूँ, टेलीविजन के अमेजिंग प्रोड्यूसर है. मतलब डीकेपी के साथ काम करना, कोलैब करना आपके लिए कितना स्पेशल और क्या कुछ रहा है, अगर आप अपनी फीलिंग शेयर करें? डीकेपी के बारे में बहुत सुना था ओवर द इयर्स. सब लोग जो फ्रेंड्स हैं वो डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं. आई हर्ड अलॉट अबाउट डीकेपी एंड पहली बार आई एम वर्किंग विद देम. पहली जो एक महीने में इतना अच्छा है कि बहुत ही यूनिटी हो गई, बहुत ही फैमिली वाइब आती है जैसा मैंने. सो आई एम हैप्पी लव यू राजन सर. Samriddhi, your feelings, thoughts? Of course, it's a wonderful feeling, wonderful experience, and we are fortunate we are here. And अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी एक legacy का भी part होना. And plus, इतनी सारी generation, मैं तो सबसे ज़्यादा excited to meet the previous generations, and now I just met Jess only. So it's really nice. बोलने वाली थी. अच्छा ट्रैक की बात करें तो अबीरा काफ़ी अमेजिंग दोनों मिलकर घर की कुछ चीज़ें आई थिंक जिस तरह से दुनिया चल रही है उस तरह से अपडेट करना और अच्छी चीज़ें घर में लाना, काफ़ी कुछ अमेजिंग ट्रैक चल रहे हैं. व्हाट यू वांट टू से अबाउट द ट्रैक? ट्रैक बहुत अमेजिंग चल रहा है. अभी हम मसूरी वाले घर में हैं, रिसोर्ट को थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, उसी में हमारा रोमांस काफ़ी ज़्यादा है. वहीं से एक्चुअली शुरुआत होती है और अच्छा ट्रैक है जहाँ पर वो लोग घर फैमिली से थोड़ा दूर है, नाइस ट्रैक है. बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन्स हैं, करने में भी बहुत मजा आ रहा है. आई एम श्योर लोगों को भी देखने में उतना मजा आएगा. बिल्कुल आ रहा है मजा. फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मतलब जब आप दोनों के येलो आउटफिट में जो रोमांटिक पिक्चर्स वायरल हुई थी, काफ़ी ऑडियंस ने पसंद किया. अपकमिंग एपिसोड भी काफ़ी अमेजिंग होंगे शायद. फैंस को क्या कहेंगे? बस थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो एंड सपोर्टिंग अस. एंड बस आप रोमांस चाहते हैं एंड वो ट्रैक अब आ रहा है, सो कीप वॉचिंग आवर शो. बहुत मेहनत करके हम लोग शूट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सीन्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दे वी वेरी न्यू टू ईच अदर. और वो केमिस्ट्री लाना देखने में बहुत आसान लगती है बट उसको पर्दे पर उतारने में उतनी मेहनत लगती है. सो वी आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट एंड आई एम श्योर लोगों को मजा आ तो रहा है एंड आगे और मजा आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच.